हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम भारत सिंह। टुडे आई विल टेल यू अबाउट क्वेश्चन टेंस। दिस इज द ग्रामर ऑफ क्लास फिफ्थ। टुडे आई विल टीच यू क्लास फिफ्थ इंग्लिश ग्रामर एंड आई विल टेल यू अबाउट क्वेश्चन टेंस। चैप्टर नंबर थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग का मतलब का क्या होता है और हम इसका यूज कहाँ करते हैं। क्वेश्चन टैग का यूज हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द टैग एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन विल हैव द सेम टेंस एज द वर्ब इन क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है और उसी टेंस के वर्ब में यूज होता है, जैसे कि सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है। ओके स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन यू क्वेश्चन टैग। द टैग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस विल हैव द सेम टेंस एज द वर्ब इन द सेंटेंस। क्वेश्चन टैग किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है और उसी वर्ब की फॉर्म में यूज होता है जो सेंटेंस के अंदर यूज हुई है। क्वेश्चन टैग्स क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लास्ट में यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हमारा पॉजिटिव हुआ। इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का यूज करेंगे, लास्ट में सब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ये सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। किसी सेंटेंस को लिखा और हमने उसके बाद में क्वेश्चन टैग लगाया तो लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव में यूज होगा। इसी का हम पॉजिटिव यूज करेंगे तो पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का यूज करेंगे एंड लास्ट में सब्जेक्ट लगाएंगे। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में नेगेटिव में जब क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। फॉर एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा, यदि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो सेंटेंस नेगेटिव होगा। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, सी इज सिंगिंग वेल, तो यहाँ क्वेश्चन टैग लगाया मैं इजंट सी। हिंदी में समझ लेंगे, वह एक सी सिंगिंग वेल, वह बहुत अच्छा गा रही है। सी सिंगिंग वेल, वह अच्छा गा रही है। इजंट सी है ना, वह अच्छा गा रही है ना, तो इसको बोलते हैं है ना। इसकी इंग्लिश होती है, हिंदी होती है ना। तो ये पॉजिटिव हमारा, सी इज सिंगिंग वेल, तो ये पॉजिटिव। इसका क्वेश्चन टैग आया इजंट सी, नेगेटिव। तो ये मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, ही इज नॉट प्लेइंग, इट्स ए नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका हमारा क्वेश्चन टैग है पॉजिटिव, इज ही। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन टैग होता है। अभी देखेंगे पॉजिटिव टैग्स और नेगेटिव टैग्स।
पॉजिटिव टैग्स क्या होते हैं और नेगेटिव टैग्स क्या होते हैं। पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इज सब्जेक्ट, आर सब्जेक्ट, विल सब्जेक्ट, एम सब्जेक्ट, डू नॉट, सॉरी डू सब्जेक्ट, डज सब्जेक्ट, हैव सब्जेक्ट, हैज सब्जेक्ट, कैन सब्जेक्ट, ये हमारे पॉजिटिव टैग होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यूज होते हैं। ये हमारे नेगेटिव टैग्स हैं। पॉजिटिव टैग्स में नॉट लगा के हम नेगेटिव टैग्स बनाएंगे तो इजंट, नॉट एज करा हमने शॉर्ट में लगे, इजंट प्लस सब्जेक्ट, आरंट सब्जेक्ट, वॉन्ट सब्जेक्ट, एम्प्ट सब्जेक्ट, डोंट सब्जेक्ट, डजंट सब्जेक्ट, हैवंट सब्जेक्ट, हैजंट सब्जेक्ट, कांट सब्जेक्ट, ईटीसी, और भी बहुत से होते हैं। कैन नॉट प्लस कांट हो जाएगा, ये नेगेटिव टैग्स होते हैं, ये पॉजिटिव टैग्स होते हैं। ये किसी सेंटेंस के लास्ट में पॉजिटिव टैग्स टैग्स ये होंगे और नेगेटिव टैग्स ये होंगे। फॉर एग्जांपल, यू विल रिमेंबर टू डू वर्क, यू विल रिमेंबर टू डू वर्क, तो यहाँ विल, तो ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका टैग नेगेटिव आएगा, वॉन्ट यू, ये आया ना विल, यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, वॉन्ट सब्जेक्ट, सेंटेंस पॉजिटिव, टैग्स नेगेटिव। नेक्स्ट, सुनीता वॉन्ट मिस द बस, तो ये सेंटेंस है यहाँ तक, सुनीता वॉन्ट मिस द बस, तो इसका टैग आएगा नेगेटिव, विल सी, विल सी, हिंदी समझ लेंगे, यू विल रिमेंबर, तुम्हें याद या तुम्हें याद रहेगा, टू डू वर्क, तुम्हें काम करना याद रहेगा, वॉन्ट यू है ना, वॉन्ट यू है ना, ये पॉजिटिव और टैग नेगेटिव। सुनीता वॉन्ट मिस द बस, सुनीता बस मिस नहीं करेगी, विल सी है ना, सुनीता बस मिस नहीं करेगी है ना, तो विल सी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है इसकी, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ब्रैकेट से करेक्ट वर्ब यूज करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, ये आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। फर्स्ट, रीता एंड गीता बेरी मेलोडियसली डोंट दे, तो ये हमारा नेगेटिव टैग है तो यह पॉजिटिव वर्ब आएगी तो लिखेंगे यह सिंग। सेकंड, वेल सी स्टार्टेड क्लीनिंग द फ्लोर एज यट, हैज सी टैग है हमारा तो ये पॉजिटिव टैग है तो यहाँ नेगेटिव वर्ब आएगी तो आगा हैजंट। ओके स्टूडेंट्स, इट हैव बीन मोर इजियर फॉर हर, कुड इट, कुड इट क्वेश्चन टैग पॉजिटिव टैग है तो यह हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव आएगी। इट कुडंट, इट कुडंट तो यह कुडंट फिल करेंगे। यू इन कश्मीर व्हेन यू वर 4 years old डिंट यू, तो डिंट यू नेगेटिव टैग तो सेंटेंस शुड बी इन पॉजिटिव, तो यू लिव्ड इन कश्मीर। ओके स्टूडेंट्स, एंड एक्सरसाइज नंबर बी, कंप्लीट द फॉलोइंग वाई एडिंग द करेक्ट क्वेश्चन टैग, ये सेंटेंस हैं इनको करेक्ट क्वेश्चन टैग लगा के ये कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। द गर्ल्स विल परफॉर्म द एक्ट टू नाइट, द गर्ल्स विल परफॉर्म द एक्ट टू नाइट, लड़कियां आज रात अपना एक्ट परफॉर्म करेंगी तो ये पॉजिटिव है तो इसका टैग आगे नेगेटिव, वॉन्ट दे। ओके, दे वॉन्ट बी एबल टू लीव टूडे, वे आज नहीं निकल सकेंगे तो ये नेगेटिव है तो इसका टैग आएगा विल दे। हिज ऑफिस इजंट वेरी फार अवे, हिज ऑफिस इजंट वेरी फार अवे तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है
इसका क्वेश्चन टैग होगा इज इट। ओके स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 5, द फूड इज टेस्टी, द फूड इज टेस्टी, तो यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा इजंट इट, इजंट इट। और ध्यान रखें क्वेश्चन टैग लगाने के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर। राइट एवरी एक्सरसाइज इन योर नोटबुक एंड रिवाइज एंड लर्न एंड मेक प्रिपरेशन फॉर योर टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।